डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री और भौतिक रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट लोहिया कॉलेज में आपका एडमिशन होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एंड मोस्ट वेलकम लोहिया कॉलेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, सिलेबस की। केमिस्ट्री में आपके तीन पेपर होंगे, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान। तीसरे पेपर का नाम है भौतिक रसायन विज्ञान। बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, याद रखना। कई बच्चे बीएससी करके चले जाते हैं और बीएससी की फुल फॉर्म नहीं आती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में सफल होने का पार्ट बनती हैं और थिंकिंग डेवलप करती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस है, सिलेबस में आपके 5 यूनिट हैं और 500 यूनिट में जो सिलेबस में है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली यूनिट जो है उसमें गणितीय अवधारणाएं और कंप्यूटर, जो चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेज में, अच्छी वाली क्लासेज में 12th तक जो आपने पढ़ी हैं उन्हीं के बारे में प्राइमरी नॉलेज है। जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, सवाल होते हैं, इसलिए थोड़ी मैथमेटिकल कंसेप्ट या गणितीय अवधारणाएँ भी आपको आनी चाहिए। और कंप्यूटर जो कि मॉडर्न लाइफ का एक पार्ट बना हुआ है, जो स्मार्टफोन आप यूज करते हो, इट इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, ये भी एक कंप्यूटर ही है। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में पार्ट ए जो है वो है गणितीय अवधारणा, जिसमें लघुगणक से संबंधित वक्र रेखा चित्र। सिलेबस को अच्छे से याद कर लेना पहला काम, जो सिलेबस याद नहीं कर सकता वो पूरा सिलेबस भी नहीं कर सकता। तो लघुगणक संबंध है, ग्राफ हैं, रेखा चित्र का मतलब ग्राफ, ग्राफ होते हैं, उनमें स्लोप की गणना कैसे करते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, ढलान कैसे निकालते हैं, के एक्स ई एक्स की पावर एन साइन एक्स लॉग एक्स जैसे जो फलन हैं, ये फंक्शंस हैं, इनके अवकलन, उच्चिष्ट निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन व्युत्क्रमी संबंध, क्या संबंध होता है, समाकलन के कुछ उपयोगी फलनों के, कुछ जो फलन आपसे रिलेटेड हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में यूज आते हैं उनका समाकलन कैसे किया जाता है, क्रमचय और संचय जो आप कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं, पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, फैक्टोरियल्स एंड संभावना मीन्स प्रोबेबिलिटी, केमिस्ट्री प्रोबेबिलिटी पर ही चलती है। जब हम ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं, कक्षक को डिफाइन करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहाँ अधिकतम संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को हम कक्षक कहते हैं। तो केमिस्ट्री की शुरुआत ही प्रोबेबिलिटी से होती है। इसके बाद सेकेंड पार्ट यूनिट फर्स्ट का है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, द्विआधारी संख्या और अंकगणित, द्विआधारी संख्या जैसे हम कितने नंबर्स यूज करते हैं, कंप्यूटर 0 और 1 को यूज करता है, उसी के आधार पर सारे नंबर्स क्रिएट कर देता है, मतलब बाइनरी नंबर। कंप्यूटर भाषाओं के लिए परिचय, विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं, कोबोल, C++ एंड लेटेस्ट जो
हायर लैंग्वेज हैं, लैंग्वेजेज हैं, प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद यूनिट सेकंड जो है उसमें है गैसीय अवस्थाएं, गैसों के गतिज सिद्धांत की अवधारणाएं। अवधारणाएं क्या होती हैं? कुछ चीज़ों को मानकर उस सिद्धांत को प्रूव किया जाता है। तो इसकी क्या क्या अवधारणाएं दी गई कि ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद उसको डिराइव किया गया। आदर्श व्यवहार से विचलन, हम गैसों को ये दो टाइप की गैस मानते हैं, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। तो जो आदर्श गैस है उनका व्यवहार से विचलन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। वान डर वाल समीकरण जो है वो आदर्श गैस के लिए दी गई, और उस वान डर वाल समीकरण में वास्तविक गैसों पर लागू करते हैं तो कैसे विचलन आता है। क्रांतिक परिघटना, वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र, अवस्था सांतत्य, वान डर वाल समीकरण के समतापी वक्र, क्रांतिक स्थिरांकों और वान डर वाल स्थिरांकों के मध्य संबंध। तो क्रांतिक परिघटना की बात करते हैं उसमें क्रांतिक स्थिरांक निकालते हैं उनमें, और वान डर वाल के जो स्थिरांक हैं ए बी उनके बीच में क्या संबंध है। संगत अवस्थाओं का नियम और सम्मानित अवस्था का शून्य। इसके बाद इसी यूनिट का पार्ट है आणविक वेग। आणविक वेग में तीन प्रकार के वेग की स्टडी करते हैं, औसत वेग, वर्ग मध्य मूल वेग, प्रायिकता वेग। उसके बाद मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण की गुणात्मक चर्चा। मैक्सवेल ने आणविक वेग वितरण का नियम दिया था जिसका डेरिवेशन नहीं है, इसमें केवल क्वालिटेटिव या इसके कुछ कंसेप्ट जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टक्कर का सिद्धांत या संगठ सिद्धांत लिखा रहता है, उसके अंदर टक्करों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कॉलेजेंस, और औसत मुख पथ, मीन फ्री पाथ, कॉलेजन डायमीटर, इन तीनों में से एक जो है वो एग्जाम में भी शॉर्ट आंसर में आता है। गैसों का तरलीकरण जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पर, कैसे हम गैसों को लिक्विफाई करते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर में लिक्विफाइड गैस आती है तो लिक्विफाइड हो क्यों जाती है, गैस को तो लिक्विफाइड नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या होता है, ये सारी चर्चाएं अपन इसमें करते हैं। इसके बाद है यूनिट थर्ड जिसमें द्रव अवस्था और कोलाइडल अवस्था है। द्रव अवस्था में अंतराणविक बल, द्रवों की संरचना, गुणात्मक व्याख्या करेंगे। ठोस द्रव गैस में संतनात्मक अंतर, द्रव क्रिस्टल, ठोस द्रव और द्रव क्रिस्टल में अंतर क्या है, द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण करेंगे, नेमेटिक एंड कोलेस्टेरिक प्रावस्था की संरचना, थर्मोग्राफी, सात खंड शैल, सेवन सेगमेंट शैल जो आप इसमें जो आपका आता है ना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर देखे होंगे सेवन बॉक्स से दिखाई देते हैं, वही सात खंड शैल। आगे ये मिसप्रिंट हो गया, तरल राज्य, तरल स्टेट है, तरल प्रावस्था, इंटरमोलिकुलर बल, तरल पदार्थ की संरचना गुणात्मक विवरण, और ठोस तरल पदार्थ की सुनिश्चित संरचनात्मक अंतर जो ऊपर हो गया, रिपीट हो गया दोबारा, वही ऊपर वाला ही पॉइंट है। कोलाइडल अवस्था, कोलाइडल की परिभाषा और वर्गीकरण, द्रव में ठोस सोल के गुण, गतिक, प्रकाशिक और विद्युत गुण, तीन टाइप के जो गुण हैं। द्रव में ठोस, द्रव ज़्यादा होता है, ठोस कम होता है, तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है, उसको सोल्स कहते हैं, और इसके गतिक, प्रकाशिक और विद्युत गुण की बात करेंगे। और कोलाइडों का स्थायित्व कैसे होता है, वो स्थायी कैसे रह जाते हैं, जैसे नेगेटिव नेगेटिव आयन से कोलाइड बना हुआ स्थायी कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव आयन से बना हुआ कैसे स्थायी है, और इसमें प्रोटेक्शन एक्शन क्या होता है, रक्षी क्रिया क्या होती है। हार्डी सुलझे का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, श्रवणांक एग्जाम में आता है। द्रव्य में द्रव इमल्सन, द्रव्य में द्रव्य मिलाते हैं तो इमल्सन होता है, उदाहरण आपको पता होगा दूध, इमल्सनों के प्रकार, पायस, इमल्सन बनाने की विधि, इमल्सन को हिंदी में पायस बोलते हैं, वैसे नाम लिखा हुआ इमल्सन आता है तो पायस बनाने की विधि, पायसिकार, ठोस में द्रव्य, जेल, जेलों का वर्गीकरण, जेल वाली वो जेल नहीं है, जेल का मतलब लिक्विड जो होता है, कई बार लिखा रहता है कि ऑइंटमेंट होते हैं तो जेल है ये, तो जेल का वर्गीकरण, जेल के गुण, बनाने की विधि और कोलाइडों के उपयोग। यूनिट फोर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ठोस अवस्था, त्रिविम दल की परिभाषा, एकक कोष्टिका, क्रिस्टल विज्ञान के नियम, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, प्रिमेय घातांक का नियम, सममितता का नियम। तो क्रिस्टलोग्राफी जो है उससे संबंधित नियम है तीन, अंतराफलक कोण का, स्थिरता का नियम, प्रिमेय घातांक का नियम और सममितता का नियम। ये तीनों नियम में से एक नियम एग्जाम में जरूर आता है। क्रिस्टल में सममिति के तत्व कौन कौन से होते हैं,
सममिति का अक्ष, सममिति का केंद्र, सममिति के तल, ये तीन चीज़ें हैं। क्रिस्टल से एक्स किरणों का विवर्तन, ब्रेग समीकरण का युत्पन्न, क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। इसमें दो विधियां आपके सिलेबस में, लावे की विधि और पाउडर विधि। सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना की स्टडी करनी है, जो आप ट्वेल्थ में भी कर चुके हैं। एंड द लास्ट यूनिट, यूनिट फिफ्थ, छोटा सा सिलेबस है, कोई ज़्यादा नहीं है, जो आपने ट्वेल्थ तक पढ़ा है वही चीज़ें हैं सारी। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स एंड उत्प्रेरण, कैटलिस्ट। रासायनिक बल गतिकी, इसका स्कोप और परिभाषा, मेनली डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न कार्य कारक जो अभिक्रिया वेग को कैसे प्रभावित करते हैं, तापमान कैसे प्रभावित करता है, विलायक कैसे करता है, प्रकाश कैसे करता है, उत्प्रेरक कैसे करता है, दाब कैसे करता है, सांद्रता कैसे करती है। और कुछ सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन निकालते हैं। अवकलित समीकरण और समाकलित समीकरण, जो अपन प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि और छदम कोटि के अभिक्रिया हैं, वो सिलेबस में है, बाकी और भी होती हैं वो नहीं है। अर्धायु और औसतायु किसे कहते हैं, ये आता है, इस पर एक न्यूमेरिकल सवाल आता है। अभिक्रिया कोटि निर्धारण, अब अभिक्रिया कोटि जैसे शून्य कोटि की है या द्वितीय कोटि की है या प्रथम कोटि की है, तो उसके निर्धारण के लिए विधियाँ जो हैं उनकी अपन बात करेंगे, जिसमें समाकलन की विधि, अवकलन विधि, विलगन विधि और अर्धायुकाल विधि, ये चार विधियाँ जो आपके सिलेबस में हैं। इसके बाद है रेडियो एक्टिव विघटन का, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रासायनिक गतिकी की प्रायोगिक विधियाँ, एक्सपेरिमेंटल और आती हैं, जिनमें हम ऊपर जो थी वो थियोरेटिकल तरीके से अलग अलग फॉर्मूले यूज करके निकाली जाती हैं, और इसमें जो एक्सपेरिमेंटली कैसे अपन निर्धारित करते हैं उसके लिए चालकतामितीय विधि, विभवमितीय विधि, पोलरीमेट्रिक और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, इसमें भी चार विधियाँ हैं। और रासायनिक बल गतिकी की सिद्धांत, अब उसके बाद सिद्धांत की बात करेंगे तो कौन कौन सी, अभिक्रिया वेग पर तापमान का प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा की अरिनियस संकल्पना एंड अभिक्रिया वेग का टकनीस। सक्रियण ऊर्जा की अरिनियस संकल्पना है, उसी के अंदर तापमान का प्रभाव होता है, उसकी बात करते हैं, तापमान गुणांक की बात करते हैं। इसके बाद दूसरा इसका संक्रमण अवस्था सिद्धांत है, जो साम्य अवस्था की हाइपोथेसिस या परिकल्पना पे डिपेंडेंट है, इसलिए लिखा हुआ है। और ऊष्मागति में अवधारणा के आधार पर वेग नीतांक की अभिव्यक्ति, ऊष्मागति के कंसेप्ट यदि साथ में जोड़ देते हैं, जैसे एंट्रोपी वगैरह या गिब्स मुक्त ऊर्जा को जोड़ कर ही दिया, फॉर्मूला निकाला जाता है, तो ऊष्मागति की अवधारणा की बात करते हैं। इसके बाद इसमें है कैटालिसिस, उत्प्रेरण और उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लक्षण, उनका वर्गीकरण, किस किस प्रकार की धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्वयं उत्प्रेरण और उसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। सिलेबस को पहले, सबसे पहला काम होता है, किसी भी क्लास में आते हैं तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो इसको 4-5 बार पढ़ भी लेना और एक आध बार सुन भी लेना। ओके, थैंक यू।